हाय फ्रेंड्स, आज हम नीट 30 ईयर की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसे क्वेश्चन 30 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल एंड प्लीज वीडियो को ऑनलाइन देखिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 31। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पे एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास एम है और रेडियस आर है। वो रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट एन एक्सिस, अपने एक्सिस से, वर्टिकल टू इट्स प्लेन, प्लेन पे, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ टू, यदि दो ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास एम बी अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द रिंग, जो कि अपने डायमीटर पे घूम रहे हैं, द रिंग विल देन रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बताना है कि जो पहले था वो सर्कुलर रिंग जो था वो एम मास का था, कैपिटल एम मास का था और रोटेट कर रहा था ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा थी। अब इसे बताना है कि जब दो मास लिए गए हैं, मतलब जिनका ये मास स्मॉल एम है और वो अब रोटेट कर रहे हैं, तो उनका ओमेगा यहाँ पे बताना है, रिंग ही है। तो इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे इसका आंसर जो आएगा वो है एम ओमेगा अपान कैपिटल एम ओमेगा अपान कैपिटल एम प्लस 2m। ऑप्शन सी ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए होगा। तो देखते हैं, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अब्सेंट है। जब एक्सटर्नल टॉर्क अब्सेंट होगा तो क्या होता है, L जो होता है L इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट जब होगा तो इसे हम लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई वन एम आर स्क्वायर आई टू एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर। जो रिंग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होती है वो एम आर स्क्वायर होता है जब वो अपने डायमीटर से पे घूम रहा हो, और आई टू, अब I2 क्या होगा, जब 2m मास उससे अपोजिट, दो 2m मास होगा उसका क्योंकि स्मॉल m है और उससे अपोजिट जोड़ दिए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आई वन अपान आई टू इंटू ओमेगा इक्वल टू एम अपान एम प्लस 2m, क्योंकि अब उनका मास क्या हो गया m प्लस कैपिटल m प्लस 2 स्मॉल m इंटू ओमेगा, और यहां से ओमेगा 2 में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, इफ यदि वेक्टर f इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर r एंड वेक्टर टॉर्क बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन देन, तो ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे आप जानते हैं कि क्या होता है, ओरिजिन पे 0, मतलब यहां पे क्या है r जो है वो 0 है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, और वहां से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेक्टर आर डॉट वेक्टर टॉर्क इक्वल टू 0, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर टॉर्क टाउ इक्वल टू 0, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर डॉट वेक्टर टाउ इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो ओरिजिन पे था, तो आर जो होगा वो 0 होगा, तो जब उसे डॉट टॉर्क का लेंगे तो वो भी क्या होगा 0 होगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर टाउ इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, सिंस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ, कि वो क्या है परपेंडिकुलर है, हेंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टाउ विथ वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ इज 0। क्वेश्चन 33, ए यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट A। यूनिफॉर्म रॉड है AB जो कि लेंथ उसका L है और मास स्मॉल m है, इज फ्री रोटेट कर रहा है टू रोटेट अबाउट पॉइंट A, पॉइंट A पे वो रोटेट कर रहा है। द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और रॉड को जो है वो रिलीज्ड किया जा रहा है फ्रॉम रेस्ट पे, इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है वो, रेस्ट पे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। गिवन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रॉड अबाउट ए इज
एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और यहाँ पे एक पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है वो भी दिया है एम एल स्क्वायर बाई थ्री. द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा. तो इसे सॉल्व करेंगे और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, और वहां से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. ये इसका फिगर है यहाँ पे जो कि ए बी है रॉड और हॉरिजॉन्टल पे है, यहाँ पे एक्सिस पे वो फ्री रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसे बताना है. इसका आंसर जो आएगा वो होगा 3g / 2l, ऑप्शन सी इज करेक्ट. 33 का ऑप्शन सी, वेट ऑफ द रॉड विल प्रोड्यूस टॉर्क. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बाहर से नहीं लगा, लेकिन ये क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल पे है और यहाँ पे क्या लगेगा वेट लगेगा, तो वेट ऑफ द रॉड जो इसका वेट होगा वो रॉड में विल प्रोड्यूस कर देगा टॉर्क. तो टॉर्क क्या होगा एमजी इंटू एल बाई टी, क्योंकि एल बाई टू टोटल लेंथ इसका एल है लेकिन वेट यहाँ पे कहाँ पे लगेगा उसके मीन बीच पे, तो वो उसका डिस्टेंस क्या होगा एल बाई टू. एल बाई टू डिस्टेंस पे टोटल डिस्टेंस उसका ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो तो एल है, लेकिन यहाँ पे जो वेट लगेगा ऑफ द रॉड पे वो एल बाई टू पे लगेगा, तो इसलिए टॉर्क इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू. आल्सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आल्सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, जो कि क्वेश्चन में दिया था कि आई दिया था एम एल स्क्वायर बाई थ्री एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो जो हमें अल्फा यहाँ पे बताना है तो दोनों साइड के एम मास मास कट जाएंगे और एल एल भी कट जाएगा, बस एक एल बचेगा और यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3g / 2l, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 34, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन में विद अ वेलोसिटी भी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी पे उसकी वेलोसिटी भी है. इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ इज एल ए, और ओरिजिन ओ से के रिस्पेक्ट में उसका एल ए है एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट इज एट ए ए का एंड एल बी व्हेन इट इज एट बी, और जो एल बी है वो बी का है, तो देन क्या होगा एल ए इक्वल टू एल बी, द रिलेशनशिप बिटवीन एल ए एंड एल बी डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी. तो ऑप्शन ए इज यहाँ पे करेक्ट होगा एल ए इक्वल टू एल बी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है. ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस देख लेंगे जो ग्राफ का बन रहा है, तो एल ए इक्वल टू पी ए इंटू डी, पी ए यहाँ पे क्या है लीनियर मोमेंटम है और एल ए क्या है एंगुलर मोमेंटम इंटू डी, एल बी इक्वल टू पी बी इंटू डी एज लीनियर मोमेंटम आर पी ए एंड पी बी इक्वल, पी ए और पी बी क्या है इक्वल है, तो देयर फोर एल ए इक्वल टू एल बी. क्वेश्चन 35, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है और इज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एन इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम, और उसमें जो लिक्विड भरा है वो फिल्ड है कम्प्लीटली और उसमें जो लिक्विड है वो है इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड और उसका मास कैपिटल एम है एंड क्लोज एट बोथ द एंड्स, और दोनों साइड से वो बंद है. द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कर रहा है ऑन ऑफ इट्स एंड विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज, तो उसके अदर एंड पे उसका एक एंड जो है वो तो हॉरिजॉन्टल पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, तो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड, तो अदर एंड पे फोर्स एग्जर्टेड जो होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 35 का ऑप्शन डी होगा एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई टू, 35 का ऑप्शन डी. रोटेशन विल क्रिएट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू रोटेशन विल क्रिएट जो करेगा वो क्रिएट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू विच प्रेशर विल बी क्रिएटेड एट द अदर एंड, जो अदर एंड पे क्रिएट होगा प्रेशर की वजह से वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डिपेंड अपॉन, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है विल डिपेंड निर्भर करता है ऑन डिस्टेंस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड से इसका डिस्टेंस क्या है द एक्सिस एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहाँ पे जिस एक्सिस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है उससे इसकी डिस्टेंस की दूरी, तो इक्वल टू क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पार्ट डी एक्स,
कंसीडर, लेट अस कंसीडर करते हैं कि एक स्मॉल पार्ट इसका डी एक्स है ऑफ द लिक्विड का, लिक्विड कॉलम का, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ एक्स, और जो ये रोटेट कर रहा है उससे ये एक्स दूरी पे है. लेट लीनियर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी रो, इसकी लीनियर डेंसिटी जो है लिक्विड की वो रो है. मास ऑफ द लिक्विड इज डी एक्स लेंथ, और डी एक्स लेंथ पे इसकी मास क्या होगा, इक्वल टू डी एक्स ए रो. यहाँ पे ए क्या है, वो ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब. तो यहाँ पे मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम यहाँ से हो गया डी एक्स इंटू ए, ये क्या है, ये वॉल्यूम है और रो डेंसिटी है. तो ये हमें क्या बता रहा है, मास बता रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा वहां पे क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लिखेंगे, एम, एम क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जहां पे ये घुमाया जा रहा है उससे उसकी दूरी कितनी है, एक्स है. ये तो हमने डी एक्स माना था कि एक छोटे से उस पर डी एक्स पे हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी दूरी क्या है, एक्स है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू होल ऑफ लिक्विड लेंथ, और होल ऑफ लिक्विड लेंथ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ये तो हमने डी एक्स पे देखा था. तो अब होल पे देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो जब डी एक्स इंटू एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू. इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, जो पावर में होता है, अगर पावर में वन है तो पावर में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन करने के बाद टू हो जाता है, और जो पावर में होता है उसे हम क्या करते हैं, अपान में कर देते हैं. तो यहाँ पे एक्स डी एक्स था और एक्स का उसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपान क्या करेंगे, टू करेंगे. तो इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू एल, और x पे हम क्या रखेंगे, जब यहाँ 0 टू l कर रहे हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, x की जगह पे हम रख देंगे एक बार l रखेंगे और फिर माइनस 0 रखेंगे. तो इसे l रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ l स्क्वायर बाई टू. तो a रो ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन टू. तो a l अलग कर सकते हैं, a l यहाँ पे क्या है, a l यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और रो ओमेगा स्क्वायर l, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या कहेंगे, मास करेंगे, तो कैपिटल M L ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन था उसका, क्वेश्चन 34 का, क्वेश्चन 35 था वो, क्वेश्चन 36. क्वेश्चन 36, टू बॉडीज हैव देयर मूवमेंट्स ऑफ इनर्सिया आई एंड टू आई रिस्पेक्टफुली. दो बॉडी हैं और जिसके मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जो है वो आई एंड टू आई है रिस्पेक्टफुली. About their axis of rotation, वो अपने axis पे rotation कर रहे हैं. If their kinetic energy of rotation are equal, kinetic energy उनका equal है, तो their angular momenta will be in the ratio. तो angular momentum का ratio क्या होगा? अपने work energy and power में भी ये ऐसे questions पड़े हैं, जहाँ की था कि kinetic energy है, तो वहाँ पे linear momentum बताए रहते थे. तो अब यहाँ पे है kinetic energy of rotation बताना है, equal जो है, और angular momentum यहाँ पे बताना है. तो K और L के बीच में रिलेशन क्या होता है, हम ये देख लेते हैं और फिर वहां से इसे सॉल्व कर लेंगे. तो K और L के बीच में जो रिलेशन होता है, K इक्वल टू होता है L स्क्वायर अपॉन 2i, क्योंकि K इक्वल टू होता है 1 बाई टू आई अल्फा और L इक्वल टू होता है I ओमेगा. तो वहां से इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर इसका हमारा आंसर आएगा. तो K इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2i होता है इसका रिलेशन, और L इक्वल टू होता है रूट में 2KI. तो पहले जो फर्स्ट वाला है उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्सिया I है और सेकेंड वाले के लिए 2I है. तो उससे हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 1:√2. K इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2I. इनके बीच में रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में. L स्क्वायर इक्वल टू 2KI. तो L इक्वल टू रूट में 2KI. L1 अपन L2 करेंगे और 2K सेम रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, इक्वल है. तो K1 अपन K2 तो कट जाएंगे, KK हो जाएंगे, और I1 अपन I2 होगा. यहाँ पे ये माइनस जो है वो गलती से लगा है, यहाँ पे माइनस होने से ऐसा कुछ नहीं है. तो I1 अपन I2 होगा, और I1 की जगह क्या रखेंगे, I रखेंगे, और I2 की जगह 2I. तो II कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1/√2 L1:L2 equal to 1:√2. Option D is correct. Question 37. A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its vertical axis rotate at the rate of
6 rpm about these axes. तो यहाँ पे रेट दिया है और आई भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी दिया है. द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट वुड बी, तो वो टाइम बताया, यहाँ पे ये बताना है. तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाई अपॉन 15 न्यूटन मीटर. यहाँ पे टॉर्क बताना है कि 1 मिनट में उसका टॉर्क क्या हो जाएगा. क्वेश्चन 37, टॉर्क इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू एल नॉट, टॉर्क इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू एल नॉट सिंस एल एफ इक्वल टू जीरो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो है. तो टॉर्क इनटू डेल्टा टी इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है. टॉर्क इक्वल टू 60, टाइम क्या है 60, क्योंकि क्या था 1 मिनट था तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60, इक्वल टू आई दिया था 2, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, 2 इंटू 6 पाई अपॉन 60, क्योंकि वहां पे क्या था आर पी एम, तो 2 इंटू 6 पाई अपॉन 60. तो यहां से 60 जो होगा वो कट जाएगा, यहाँ पे 60 क्या है वो टाइम ही है, 2 पाई एफ होता है, तो एफ क्या होता है वन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स करा है वो 60 करा है, अपॉन कितने मिनट में 1 मिनट में, तो उसे भी सेकंड में चेंज करेंगे तो इससे 60 करेंगे और 60 यहाँ पे कट जाएंगे, तो वहां से आएगा टॉर्क इक्वल टू पाई अपॉन 50 न्यूटन मीटर. क्वेश्चन 38, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2. इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ डिस्टेंस d, यदि पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड किया जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर की ओर, और उसका मास ऑफ पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस d, और d दूरी पे है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एट द ओरिजिनल पोजीशन. ओरिजिनल पोजीशन पे वो जो है वो कीप द सेंटर ऑफ, वो भी सेंटर की ओर है, तो पार्टिकल्स एट द ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचने पे उसका डिस्टेंस यहां बताना है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा वो है m1, 37 का ऑप्शन सी, m1 अपॉन m2 इनटू d, 38 का ऑप्शन सी. m1 d1 इक्वल टू होता है m2 d2, और d2 इक्वल टू क्या होगा m1 d1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इनटू d, 38 का ऑप्शन सी. आज के लिए इतना ही करते हैं और आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लीज कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल.